The combined average monthly income of teaching and non-teaching staff of an institution is rupees 2344. If the average monthly income of teaching and non-teaching staff, teaching and non-teaching teaching and non-teaching staff respectively be rupees 2,865 and rupees 1,302 and the number of non-teaching staff be 14. Find the number of teaching staff. Question clear, Dania? Hello, ma'am. हाँ हेलो मैम. हाँ बस रीडिंग वो मैसेज कर रही थी. उमंग का भी शायद नहीं चल रहा अच्छे से. नेट बोल रहे थे. हाँ तो उमंग भी कोई जवाब नहीं दे रहा इतनी देर से. एक मैसेज ड्रॉप कर दो. मैम रिकॉर्ड कर रही है क्लास तो मैम रिकॉर्डिंग भेज देंगे. हाँ हाँ वो मैं मैसेज कर दी ग्रुप में. ठीक है तो अभी तो तुम ही हो ना फिर तो तुम मेरे को रिस्पॉन्ड करते जाना अगर कुछ डाउट आएगा तो. यस मैम. तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो तुम. क्वेश्चन नंबर 3. यस मैम. इसमें ये बोल रहा है कि जो कंबाइंड एवरेज मंथली इनकम है ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वो है इतनी 2344. मतलब हम लोग को एक्स डैश दिया हुआ है कितना 2344 रुपीस. फिर बोल रहा है इफ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिस्पेक्टिवली भी 2865 एंड रुपीज 1302. मतलब हम लोग को वो क्या दिया हुआ है एक्स वन डैश दिया हुआ है रुपीज 2865 और एक्स टू डैश दिया हुआ है रुपीज 1302 एंड द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ. जो नॉन टीचिंग स्टाफ है तो नॉन टीचिंग स्टाफ हम लोग सेकेंड नंबर पे ले रहे हैं तो हम लोग को एन टू की वैल्यू दी हुई है 14. एन वन की वैल्यू हम लोग को नहीं गिवन है तो हम लोग को एन भी नहीं पता है. ठीक है तो ये सारी चीजें नहीं पता है हम लोग को. हम लोग को क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ. तो हम लोग को टीचिंग स्टाफ जो है मतलब एन वन वो निकालना है हम लोग को. क्लियर है क्वेश्चन अभी? यस मैम. तो ये एक्स बार का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या एन वन इंटू एक्स वन डैश प्लस एन टू इंटू एक्स टू डैश अपॉन एन वन प्लस एन टू. तो एक्स डैश हम लोग को दिया हुआ है 2344 इज इक्वल टू एन वन हम लोग को निकालना है. एक्स वन डैश हम लोग को दिया हुआ है 2865 प्लस एन टू 14 दिया हुआ है. एक्स टू डैश हम लोग को दिया हुआ है 1302 और ये एन वन एक हम लोग को दिया हुआ था. एन वन हम लोग को नहीं गिवन है और एन टू हम लोग को 14 गिवन है. तो ये पूरा सॉल्व करो और एन वन की वैल्यू निकालो. तानिया बताओ मुझे कितना आ रहा है. 1044 इज इक्वल टू
ये 2344 ये इनटू होगा हमारा n1 प्लस 14 के साथ, देखा 2865 n1 प्लस 18228, तो यहाँ हम लोग को करना है 14 इनटू 2344, 32816। ये 2344 n1 2865 n1 प्लस 18228, थ्री टू एट वन सिक्स माइनस 18228, तो ये आ रहा है 14588, 14588, और यहाँ पर 2344, 2344 कुछ गड़बड़ हो गई है लग रहा है, माइनस में आ रहा है, ट्वेंटी एट आना चाहिए आंसर, आ रहा है क्या 28? एक मिनट ये गड़बड़ हो गई है कि ऐसा बच्चा है। ओके टू एट सिक्स फाइव। तानिया अभी मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो वापस ज्वाइन कर लेना। यस मैम। फाइव माइनस थ्री फोर फोर फाइव ट्वेंटी वन एन फाइव ट्वेंटी वन एन वन 14588 डिवाइडेड बाय 521 इज इक्वल्स टू एन वन 14588 डिवाइडेड बाय यस मैम आ गया 28। हाँ n1 इज इक्वल टू 28। तानिया तुम्हारे पास बुक है ना? यस मैम स्तुति के पास शायद होगा, बाकी इन लोग के पास भी है, उमंग यश के पास, खुशी के पास भी है, बस शायद स्तुति के पास नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो ये अभी ओके तो अभी हम लोग पेज नंबर जो 302 है उसके इलस्ट्रेशन वन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन वन। तो ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स इज 8। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, मतलब हमारे पास 15 नंबर्स हैं लगातार, ठीक है, तो उसमें से जो पहले 8 नंबर्स हैं ना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास 15 नंबर हैं, तो इसमें से जो पहले 8 नंबर्स हैं उनका एवरेज 8 आ रहा है, तो हमको बताना है कि पीछे के जो 7 नंबर्स बचे हैं उनका एवरेज कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स तो गिवन है, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स 15 है, तो टोटल ऑफ 15 नंबर्स कितना आएगा, टोटल ऑफ 15 नंबर्स, तो टोटल ऑफ 15 नंबर्स 15 इनटू 15, तो ये कितना आ गया 225, ये टोटल आ गया, टोटल वैल्यू।
है ना, फिर वो एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, पहले 8 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 8, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स, 8 × 8 64, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर का 15 नंबर का टोटल है और शुरू के 8 नंबर का टोटल है, तो टोटल ऑफ लास्ट 7 नंबर्स भी निकाल सकते हैं ना, टोटल ऑफ लास्ट 7 नंबर्स। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, जो टोटल 15 नंबर है उसमें से पहले 8 नंबर का माइनस कर देंगे, तो 225 माइनस 64 करेंगे, तो इससे हम लोग को लास्ट 7 नंबर्स का टोटल मिल जाएगा 161, है ना। यस मैम। और इनका फिर अगर एवरेज निकालना है तो क्या कर सकते हैं अपन, एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, ये कैसे निकाल सकते हैं, इनका टोटल डिवाइडेड बाय 7, तो ये सेवन कितना आ करते जाएगा, हैं। 23, ठीक है। यस मैम। इसका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, यस मैम। एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 1। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 14 एंड ऑफ द फर्स्ट 2 इज 8, फाइंड द थर्ड नंबर, फाइंड द मैम थर्ड निकल, मैम इसको ऐसे करना था ना, द एवरेज ऑफ नंबर इज 14 दिया है, तो 3 से 14 को मल्टीप्लाई करके 42 आया, फिर फर्स्ट 2 इज 8 करके लिखा है, तो 2 × 8 की ना तो 16 आया, फिर दोनों को माइनस करी तो आंसर आ गया, ऐसे ही हाँ करना था। वैसे ही करना था। यस मैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, और 2 ट्राई कर लोगे आंसर आ जाएगा ना, तो वैसे ही जैसे अभी एक्सप्लेन करी ना वैसे ही एक बार एक्सप्लेन कर देना, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। यस मैम। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज ट्वाइस द फोर्थ इफ द एवरेज ऑफ दीज फोर नंबर्स इज 28। If the average of these four numbers is 28, find the fourth number. Find the fourth number. Solution. बोल रहा है average of three numbers is equals to two twice the fourth, मतलब फोर्थ नंबर जो भी होगा उसका 2 times होगा एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, तो हम लोग को फोर्थ नंबर पता नहीं है। फिर बोल रहे हैं एवरेज ऑफ दिस फोर नंबर्स, ओके, तो हमारे पास ये 4 नंबर हैं, ए बी सी डी, जो पहले 3 नंबर हैं उनका एवरेज है 2 times फोर्थ, और इफ द एवरेज ऑफ दीज फोर नंबर इज 28, ठीक है,
तो बोल रहा है कि फोर्थ नंबर फाइंड आउट करो, तो एक्स डैश हम लोग टोटल ले लेते हैं, तो जब एवरेज निकालते हैं, अगर पहले तीन नंबर का एवरेज निकालेंगे तो पहले तीन नंबर का एवरेज निकालेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, है ना। और अगर हम लोग चारों नंबर का एवरेज निकालेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो हम लोग को टोटल एवरेज मिल जाएगा। और ये टोटल एवरेज हम लोग को दिया हुआ है कितना, 28, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर। ये चीज क्लियर हुई ना तानिया? अब ये 28 को 4 से इंक्लूड कर दो तो 4 8 जा कितना होगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, 1 1 2 is equals to x1 plus x2 plus x3 plus x4। क्लियर है ये? यस मैम। फिर वो क्या बोल रहा है कि जो एवरेज एवरेज है पहले तीन नंबर का, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय थ्री, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टू टाइम्स जो हमारा फोर्थ नंबर है वो, तो हमारा फोर्थ नंबर क्या है, एक्स फोर। एक तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब ये थ्री को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा क्या, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स फोर इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, तो ये हमको मिल गई इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ से जो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू आई है ना, उसको यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में,